दोस्तों आज के ज़माने में हम सभी लोग जियो का इंटरनेट चलाते हैं, वहाँ पे नेटवर्क फुल रहता है और नेटवर्क कम रहता है, और लेकिन हमें स्पीड नहीं मिलती है, और हम चाहते हैं कि हमें एक बेहतर स्पीड मिले, और एक चाहे नेटवर्क हो चाहे ना हो, इससे कोई भी फ़र्क ना पड़े। हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है, नेटवर्क मौजूद हो या ना मौजूद हो, लेकिन हमें इंटरनेट का स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट मिलनी चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। अगर आपको ऐसी दिक्कत है, अगर आपके पास जियो का सिम है, आप जियो का सिम यूज करते हैं, अगर आपको ऐसी दिक्कत होती है, आपका नेटवर्क फुल रहता है, नेटवर्क कम रहता है, आपका इंटरनेट का स्पीड नहीं मिलता है, और इंटरनेट का स्पीड आपको बहुत ज़्यादा स्लो मिलता है, आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। अगर आज की वीडियो आप सभी लोग अपने मोबाइल फ़ोन में पूरा एंड देख लेते हैं, तो आपका इंटरनेट का स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, आपका इंटरनेट का स्पीड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जियो इंटरनेट स्लो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और आपका इंटरनेट का स्पीड बूस्ट हो सकता है। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास, बहुत ज़्यादा यूजफुल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर देख लेते हैं, आपका जियो का इंटरनेट का स्पीड बहुत ज़्यादा बूस्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकता है। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा मायने रखता है, सिर्फ आपका एक लाइक। उसके बाद करना है चैनल को सब्सक्राइब, जो कि बिल्कुल फ्री है, आप इसे कर सकते हैं, इसे करके आप चैनल का सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है, जिससे आपको मेरे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स में यहाँ पर आपको एक कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है यहाँ पर इंटरनेट प्रॉब्लम सॉल्व, यहाँ पर आपको ये लिख के कमेंट कर देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको जाना अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग पर, आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है नीचे, यहाँ पे आपको दिखेगा कनेक्शन एंड शेयरिंग, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क पे एंड ब्लूटूथ पे, आपको यहाँ पे एरो दिखेगा, आपको इस एरो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिसेट सेटिंग पे क्लिक करना है। आपको रिसेट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा रिसेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे ये मुझे रिसेट करने के लिए क्यों बता रहे हैं, एक इसमें रीजन है, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि जब आपका मोबाइल हैंग होने लगता है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को रिस्टोर ऑल कर देते हैं, जिससे आपका मोबाइल फ़ोन हैंग होना बंद हो जाता है। इसी तरह आप यहां पे आपका नेटवर्क स्लो हो जाता है और आपको स्पीड नहीं मिलता है, सबसे पहले आपको यहां पे इसे रिसेट करना होता है। रिसेट करने के लिए आपको यहां पे क्लिक करना है, फिर आपको इसे ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका नेटवर्क रिसेट हो जाएगा, आपके मोबाइल फ़ोन से नेटवर्क चला जाएगा, फिर दोबारा नेटवर्क यहाँ पर आएगा। उसके बाद आपको सिंपल सा यहाँ पर देख सकते हैं नेटवर्क भी आ चुका है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे बैक पे क्लिक करना है, फिर बैक पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे दिखेगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे आपको चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जियो 4G पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, आपको यहाँ पर दिखेगा एसएस पॉइंट नेम, आपको इस पर चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा रिसेट, आपको रिसेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ लिखा है, यहाँ पे दिखेगा इंटरनेट, उसके बगल में आपको दिखेगा एरो, आपको एरो पे क्लिक कर देना है। एरो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा पोर्ट, आपको पोर्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको लिखना है 10 आपको पोर्ट पे लिखने के बाद आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सर्वर में जाना है, सर्वर में आपको यहाँ पे लिखना है www.jio internet speed, आपको इस तरह लिखना है jio internet speed fast, आपको इस तरह लिखना है। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, यहाँ पे नीचे जाना है, आपको यहाँ पे दिखेगा बैरर, आपको बैरर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको LTE पे सिलेक्ट करना है, इसे अनसर्टिफाइड को आपको यहाँ पे अनटिक करना है,
फिर आपको यहाँ पे जितने हैं आपको सभी पे इस तरह आपको टिक लगा लेना है, ऐसे आपको सभी में टिक लगा लेना है। टिक लगाने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा मोर, आपको मोर पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा सेव, आपको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको बैक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे, आपको प्ले स्टोर पे सर्च करना है। यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च कर लेना है, यहाँ पे लिखना है इंटरनेट ब्रोकर, आपको सर्च करना है। इस तरह आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। आपको इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपल सा इसे ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपका इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ आपको इस प्रकार दिखेगा। सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन का अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इसका प्राइवेसी एंड पॉलिसी पढ़ लेना। प्राइवेसी एंड पॉलिसी पढ़ने के बाद आपको एग्री पे क्लिक कर देना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी देर आपको यहाँ पे वेट करना है। इस तरह आपको वेट करना है, थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ आपको इस प्रकार दिख जाए। आपको यहाँ पे छोटी छोटी आपको इस तरह आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिख जाती हैं। यहाँ पे आपको चाहते हैं जो एप्लीकेशन मेरा बैकग्राउंड में डाटा ना यूज करे, क्या करना है आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे ये ब्लॉक हो जाएगा, आपका बैकग्राउंड में इंटरनेट यूज नहीं करेगा, आपका इंटरनेट को बचाएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन रात समय शुभ रहे, आपके पूरे परिवार का दिन रात शुभ हमेशा रहे।